हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू आर फाइन। तो बच्चों, आप देख रहे हो आपकी एक्सरसाइज जो है चल रही है, टू बी, सॉरी, ओके। तो टू बी बच्चों एक्सरसाइज है ये, और इसमें हमने क्वेश्चन 7 तक कर लिए थे और क्वेश्चन 8 हम करेंगे आज। लेकिन बच्चों, आप देख रहे हो यहाँ पे, देखो क्वेश्चन नंबर 8 में मल्टीप्लाई, डिवाइड और ये जो एक साथ आ रहे हैं ना, और क्वेश्चन 9 में भी आप बच्चों देख रहे हो यहाँ पे इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं। तो ये जो क्वेश्चंस होते हैं बच्चों, इनके लिए ना हम एक फॉर्मूला यूज़ करते हैं, उसको कहते हैं बोर्ड मास रूल। ओके, तो वो आप 6 क्लास में तो नहीं पढ़े होंगे आप, लेकिन हालांकि वो 6 क्लास के सिलेबस में ही आता है, लेकिन पिछले साल तो आप नहीं पढ़े अच्छे से, इसलिए वो आपको आता नहीं, और वो तब नहीं आता तो आपको ये क्वेश्चन भी नहीं आएंगे। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने बोर्ड मास वाला चैप्टर जो है वो क्लास 6th में चालू कर दिया है, और वहाँ मैंने बोर्ड मास रूल को समझाया है, ठीक है। तो वो बोर्ड मास रूल आपको पहले समझना है, इसलिए आप जो है दूसरी वीडियो जो है उसको आप देखिए, ठीक है। आपके में मैंने डाल रखा है लिंक, और उससे आपको समझ में आ जाएगा, और उसमें मैंने क्वेश्चन भी दे रखे हैं एक्सरसाइज के लिए, वो आपको करने हैं, ठीक है। और वो जवाब आपको आ जाएंगे, उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 8 और 9 शुरू करेंगे। ओके, सो थैंक यू।